सभा में कांटे की टक्कर थी, कांटे की टक्कर के बीच जो है वो सुधाकर सिंह बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सुधाकर सिंह से जब हम लोगों ने बात किया तो वो क्या कुछ कहे हैं वो बातें हम आपको सुनाएंगे। बताते चले कि सुधाकर सिंह जो है वो 9000 प्लस वोटों से जीत के हासिल किए हुए हैं। वहीं बीजेपी के जो एनडीए के उम्मीदवार थे मिथिलेश तिवारी वो दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर जो है वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय प्रत्याशी चौथे स्थान पर है। तो सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा वो बातें हम आपको सुनाएंगे। जहां बता दें आपको कि कांटे की टक्कर की लड़ाई बक्सर सीट से चल रहा था, उसी बीच में आरजेडी कोटे में यह बक्सर का सीट जाता हुआ नजर आ रहा है और जीत जो है वो हासिल कर चुके हैं सुधाकर सिंह। क्या कुछ सुधाकर सिंह से जब हम लोगों ने बात की तो सुधाकर सिंह के द्वारा क्या कुछ कही जा रही है वो बातें हम आपको सुनाएंगे। अभी मौजूद हूँ मैं मतगणना केंद्र पे जहाँ पे मतगणना हो रही है। आप पीछे में देख सकते हैं कि तमाम मतगणना के हॉल बनाए हुए हैं, कई प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है, प्रत्याशियों के समर्थक भी यहाँ पे मौजूद है और मतगणना का कार्य जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि सुधाकर सिंह जो है वो एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को पीछा करते हुए जीत का ताज जो है वो पोसी कर लिए हैं और दिल्ली के लिए वो जाएंगे। जनता उनको इस बार बक्सर का सांसद चुने हुई है। तो फिलहाल क्या कुछ उनके द्वारा कही जा रही है वो बातें हम आपको सुना रहे हैं। चलिए सीधे ले चलते हैं सुधाकर सिंह की तरफ और उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। काफी लग रहा है कि आपकी खुशी जो है वो इजहार हो रही है। ये बक्सर की जो लड़ाई थी कि बाहरी भगाओ जी। और बक्सर का भीतर चुनाव जीती लड़ाई थी यहाँ की और यहाँ के लोगों ने भारी मतदान किया हम लोग के पक्ष में। यह सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय, सभी जाति के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या कहिएगा जो जनता आपको सपोर्ट कर दी? उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। 24 साल से राजनीतिक रूप से गुलाम था बक्सर। बाहरी लोग आते थे यहाँ चुनाव जीतते थे और इस इलाके के बारे में कभी ध्यान नहीं देते थे, यहाँ के हक और हिस्से की लड़ाई कभी नहीं लड़ते थे। यह किसानों की जीत है, यह आम लोगों की जीत। मानते हैं किसानों की जीत है, इसमें कोई शक है क्या? क्या इस बार किसानों को उनका मुआवजा मिलेगा? सरकार के गर्दन पे चढ़ के ले लूँगा। ये मुआवजा कोई छोटा लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार और देश की लड़ाई है। यहाँ किसानों के साथ लगातार ठगी और लूट मार के शिकार है। किसान नेता आप हैं, किसान का सपोर्ट, किसानों के हर बातें समस्याओं का समाधान होगा? बिना समाधान का कोई वोट देता है? आपको लगता है कि जो काम नहीं करेगा उसको वोट मिलेगा? देश के प्रधानमंत्री चुनाव हारते हारते बचे हैं अभी, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है क्या? 4.25 लाख से 1.5 लाख पे चले हैं। इस बार काम होगा? कब नहीं हम काम किए हैं ये सवाल करिए। कभी ऐसा हुआ है कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते काम नहीं किया है? चौसा का बिजली घर किसने लाया था? मेरे पिता जगदानंद सिंह ने 15,000 को। बक्सर से आरा तक का 4 लेन किसने लाया था? उस जमाने में उन्होंने लाया था पैसा। आरा मोहनिया से आरा तक का 4 लेन अपने ज़माने में पैसा लाया था। लोगों ने उसको लेट लवदीफी में रोका, ये दोषी थे, जनता जानती थी, इसीलिए दंड मिला ही लोग। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 20,000 करोड़ लाए थे, मैं 40,000 करोड़ लाऊंगा यहाँ की काम कर। इस बार सांसद का ताज पहनने जा रहे हैं, मलई बराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मलई बराज में जो डिस्प्यूट है किसानों के बीच में, दो पक्ष है, एक पक्ष चाहता है बने, एक पक्ष चाहता है नहीं बने। हमने एक पंचायती 4 महीना पहले किया है हम और आके टिकाओ। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पंचायती को सरकार मान लेगी और वो पूरा होगा। जीत की ताज आपके सर लग गई, बक्सर की जनता को क्या कहिएगा? जनता की सर ताज सजाई, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, बक्सर के लोगों का, ये जनता के सर पे ताज बंधा है। ने कहा कि यह जीत हमारी नहीं है, यह बक्सर की जनता की जीत है और किसानों की जीत है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। बक्सर से उपमानित रिपोर्ट।